कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है पिछले कई सालों में उसमें लूप होल्स बहुत ज्यादा है मैं एस सी आरक्षण का समर्थक हूं क्योंकि मैं जब यह बात बोलूंगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगी और लोग गालियां भी देंगे मुझे इसके बाद पर मैं उन सबके लिए तैयार रहता हूं मैं तो बहुत मोख्य तरीके से बात कहता हूं कि एस सी में भी क्लासीफिकेशन होना चाहिए जैसे ओबीसी में होता है बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चर इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर अनदर थिंग इज अनाथा इन द न्यूज़ जनरल कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी उसको लेकर uh, जो न्यूज uh, में अब आया है दिस इज रिगार्डिंग यू पी एस सी दिस इज द ट्वीट ये जो आई ए एस ऑफिसर का है पूजा खेड़कर गेटिंग इन टू रिजर्व कैटेगरी वेन शी इज पार्ट ऑफ द हैविंग अ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पोजेस प्रॉपर्टी अब this becomes the whole controversy about reserved non reserved when you have uh, so much of wealth hmm. aap kya ye sahi hai galat hai aap bataiye because you uh, have taken the upsc exam yeah, yeah, yeah. also aap जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट में था हाँ। मेरा rank 384 था और मेरे hostel के मेरे दोस्त जिनका rank 415-20 था वो सब आईपीएस पी एस आई एस बन के अभी बहुत सीनियर पोजिशन में हैं और हाँ। ग्रुप बी सर्विस मुझे मिली थी लास्ट में सी एस एस सो इन ए वे आई कैन से आई हैव सीन दिस इसके बाद ही रहता हूँ इम्पलीमेंटेशन hmm. hmm. की दिक्कतें बहुत सारी हैं जैसे कि ये मैं बहुत ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं देखिए रिजर्वेशन एज ए पॉलिसी हैज टू बी देयर ऑन कास्ट की इकोनॉमिक uh, बेसिस पे इस पे भी डिबेट होता है डू यू फेवर इस पर हम लोग कई घंटे बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है जी और मुझे नहीं पता कि कितनी मर्यादाएं हैं हमें कहाँ तक बात करनी है इस टॉपिक पे आप पर जो मर्जी कहना चाहिए <laughs> <laughs> यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन कास्ट पर भी होना जरूरी है इकोनॉमिक क्राइटेरिया कुछ एक्सटेंड तक उसमें हो तो अच्छा है लेकिन ये बात सही है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है पिछले कई सालों में उसमें लूप बहुत ज्यादा है जैसे कि ये मामला आप बता रही हैं मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ इस पर अप्लाई होगा या नहीं मुझे नहीं पता पर आप समझ पाएंगे कि क्या मसले हैं और मैं यूपीएससी को ध्यान रख के बात करता हूँ जी एस सी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने 2004-5 में एक फैसला दिया था एम नागराज के मामले में जिसमें यह कहा था कि जब प्रमोशन हम देंगे एस सी में तब हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि प्रमोशन क्यों दे रहे हैं सो इन वे लेयर इन एस सी एस टी अदरवाइज वहां नहीं है इसका मतलब क्या है? मैं एस सी एस टी आरक्षण का समर्थक हूं क्योंकि मैं जब ये बात बोलूंगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगी और लोग गालियां भी देंगे मुझे इसके बाद पर मैं उन उनसे लिए तैयार रहता हूँ अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूँ कि मुझे <laughs> फर्क पड़ना बंद हो गया उसका द ट्रुथ टू बी द्रुथ एब्सोल्युटली मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली जी जिसमें फादर आई एस थे मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी तीन बच्चे तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं या आई एस हैं या आई पी एस हैं उनके स्पाउसिस भी आई एस आई पी एस हैं हाँ कन्वीनियंट अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को अगली जनरेशन को एस सी का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए मैं नहीं समझ सकता इनको वह हमेशा कहती थी ये जेनेटिक सिविल सर्वेंट्स होते हैं हो सकता है मतलब यहाँ तक कि जो हमारे कुछ दोस्त एसी एससी रिजर्वेशन के बहुत समर्थक हैं भी बहुत पॉपुलर लोग हैं अच्छे चिंतक हैं जब बंद कमरे में मेरी उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे आर्ग्यूमेंट दो अगर आपके आर्ग्यूमेंट में दम है तो मैं मान लूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पब्लिक डोमेन में आर्गूमेंट ये चलता है कि कई हज़ार साल का पिछड़ापन है कई पीढ़ियां लगेंगी बराबर करने में तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा देश में आठ परसेंट करीब एस हैं सोलह परसेंट एस हैं आठ परसेंट का मोटा मोटा मतलब होता है लगभग आप मान लीजिए ग्यारह करोड़ के आसपास और बाईस करोड़ एस हैं तैंतीस करोड़ की आबादी है सरकारी नौकरियां साल भर में कितनी निकलती होंगी कि मेरे ख्याल से सब भी मतलब पूरे देश की सारी नौकरी मिलाएंगे तो भी शायद दो करोड़ के आसपास होंगी सब नौकरियां मिला के भी इनमें से एस सी की जो भागीदारी है अगर हम चौबीस परसेंट मान्य दोनों मिला के वैसे तो साढ़े बाईस परसेंट अभी है तो भी ये चालीस पैंतालीस लाख होगी मैक्सिमम इस पैतालीस लाख में तैतीस करोड़ में से कौन लोग आए कौन ना आए ये हमें सोचना होगा जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो साइंटिफिक होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए एक फैमिली जिसमें आई ए एस कुछ लोग बन चुके हैं अगली पीढ़ी में बन चुके हैं उसकी अगली पीढ़ी को भी आई का आरक्षण मिले क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि उसी समाज के वो लोग जो दूर गाँव में हैं स्कूल नहीं मिला जिनको बड़ी मुश्किल से पढ़े उनको फ़ायदा मिले हम एक कम्युनिटी को सेंटर में लाना चाहते हैं एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं में लाना चाहते हैं या उसके कुछ परिवारों को बार बार पावर देना चाहते हैं पर एक लिटिज़म है जैसे हिंदू समाज में पहले था कि भाई कुछ वर्ण या जातियां सेंटर में हैं बाकियों को पीछे रखा गया तो उनको आरक्षण दो अब उन समुदायों में कुछ परिवार ऐसे हो गए हैं वो इलीट्स हैं और वो इलीट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षणों के हाथ से निकले तो उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को फील भी करवा दिया समझा भी दिया कि ये आरक्षण छीनना चाहते हैं जबकि सच ये है मैं तो बहुत मोख्य तरीके से बात कहता हूँ कि एस सी में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए जैसे ओबीसी में होता है अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई फैसला ऐसा है या आपने शायद सुना होगा कि एक कमीशन है रोहिणी कमीशन उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है हाली अभी हाल ही में अभी आई नहीं है सामने पब्लिक डोमेन में मेरा ख्याल है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लासिफिकेशन इन एससी सी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कई मामलों में सरकार शायद उसको लाएगी इस तीसरे टर्म में मेरे ख्याल से सरकार इरादा ये होगा आरक्षण कम तो कर नहीं सकते हैं सोचना भी मेरे ख्याल संभव नहीं होगा शायद ज़रूरत भी नहीं है पर आरक्षण रैशनलाइज हो उसमें रीजनेबिलिटी हो ये जरूरी है और ये होगा अब ये जो केस आप बता रही हैं ये ओबीसी आरक्षण का है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे इस देश में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कोई भी ले सकता है आप भी ले सकती हैं मैं भी ले सकता हूं ओबीसी में क्या पेच है कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर का है इंदिरा हाँ। साहनी के केस 92 सी जजमेंट था उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था अब नियम यह है कि अगर आप ओबीसी से हैं पर क्रीमी लेयर में तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल इससे बचना होता है हम्म मैं इससे बचना कुछ होता है हां सही कहते हैं देखिए इतना डिफरेंस है इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी यू हैव टू बी इन फर्स्ट सेवन रैंक्स टू बी आई एस इफ यू आर इन ओबीसी यू कैन बिकम आई एस ऑन फोर हंड्रेड रैंक ऑलमोस्ट सो इज ह्यूज डिफरेंस इसलिए अगर किसी के पास स्कोप होता है तो वो कोशिश करता है जी, जी. कि मैं बन ही जाऊँ मैं पिछले पच्चीस साल में केवल एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ हाँ? जो ओ में था पर उसने ओबीसी आरक्षण लेने से मना कर दिया <laughs> ये कहेगी कि मुझे बचपन ठीक मिला पढ़ाई ठीक मिली वाई शुड आई टेक रिजर्वेशन ऐसे भी लोग हैं जैसे एक रूल ये है कि अगर आपके फादर या मदर क्लास वन जॉब में हैं तो आप ओ बी सी नहीं हो सकते यू गेट इन टू फ्री मिले आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी में हैं तो भी नहीं हो सकते हैं लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी में हैं इनकम चाहे आठ लाख से ज्यादा हो तो भी ओ बी सी में रहते हैं अब सरकारी नौकरी वालों ने मेरे ख्याल से खेल खेला होगा कि भाई उनकी इनकम ज्यादा है hmm. उनके बच्चे ओ बी सी में क्यों ना आए तो एक नियम बनाया गया कि जो बी और सी कैटेगरीज में है सी और डी में उनके बच्चों को हम ओ बी सी में रखेंगे चाहे इनकम ज्यादा हो जाए आठ लाख किलोमीटर अभी है वैसे hmm. फिर एक और खेल खेला गया एग्रीकल्चरल इनकम विल नॉट बी काउंटेड टू सी वेदर दिस पर्सन layer or नॉट बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर बिल्कुल अब देखिए पेज क्या है ओबीसी में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम काउंट नहीं होती है केवल पेरेंट्स इनकम काउंट होती है ई में सबकी इनकम काउंट होती है अंतर इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए कि मेरे फादर आई ऑफिसर हैं और रिटायर होने वाले हैं दो साल बाद मैं ओ में आता हूँ लेकिन मुझे मिलेगा नहीं आरक्षण क्योंकि मेरे फादर क्लास वन जॉब में है उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है इतना पैसा उनके पास है कि मैं उस इनकम से अपना काम चला सकता हूँ जिंदगी भर बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं उनका रेंट आता है कई लाख रुपए मान लीजिए महीने का पचास लाख रेंट आता है एग्रीकल्चर से नहीं बिल्डिंग से

बोलेंगे कैसे मैं कहूँगा रिजाइन कर दो आप रिजाइन कर दिया उन्होंने दो साल की सर्विस बची हुई थी पैसा अकूत कमा चुके हैं अब दो साल की सर्विस है रिजाइन कर दिया जैसे रिजाइन किया अब मुझ पर ये सीमा लागू नहीं होती कि मेरे फादर ग्रुप वन जॉब में है लेकिन अब क्या लागू होता है आईटीआर कि मेरे फादर के पास पैसे बहुत ज्यादा हाँ। क्योंकि वो नौकरी में नहीं है अगर उनके पास आठ लाख से ऊपर की इनकम है तो मैं ओबीसी में नहीं आ सकता हुँ। तो वो क्या कर सकते हैं मेरे फादर और मेरी मदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देंगे गिफ्ट डीड कर देंगे हुँ। अब उन दोनों की इनकम रह गई छह लाख रुपए साल की मेरी होगी साठ लाख महीने की पर ओबीसी होने के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है इनकम सिर्फ पेरेंट्स की फैमिली नहीं सिर्फ पेरेंट्स मेरी नहीं

Okay. और जो इस रास्ते पर चलते हैं उनको पेंशन की चिंता नहीं होती वो अपनी पेंशन पहले बना चुके होते हैं <laughs> उनको पेंशन से चिंता नहीं होती क्लिक टू वॉच एपिसोड